हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो भाई आप लोग जब शॉर्ट वीडियोस बनाते हो और उस शॉर्ट वीडियो को बनाकर आप लोग यूट्यूब से किसी म्यूजिक को ऐड करते हो अपने शॉर्ट वीडियो में, तो भाई उस वीडियो के अंदर शॉर्ट्स लाइब्रेरी विद थर्ड पार्टी कंटेंट का जो है ना ऑप्शन आ जाता है, या कहे तो हम ये चीज लग जाती है। तो दोस्तों आप लोगों के मन के अंदर एक डाउट चल रहा होगा कि क्या भाई अब हम इस वीडियो से पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि गाइज अगर आप लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो और म्यूजिक तो भाई ऐड करना ही करना होता है, तो अगर हम उस वाले म्यूजिक को ऐड करते हैं तो भाई क्या हमारे को उस वीडियो से अर्निंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, थर्ड पार्टी कॉन्टेंट में हमारा वीडियो मोनिटाइज है या नहीं है, क्योंकि भाई उस वीडियो में तो हमारा मोनिटाइजेशन ऑन नहीं हो पाता है। तो क्या इस स्थिति के अंदर क्या अपना वीडियो मोनेटाइज होगा और क्या हम उससे अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग यहां पे देखो मैंने अपना चैनल का स्टूडियो ओपन कर दिया है और अब हम बात करें तो भाई ये मेरा शॉर्ट वीडियो है और जिसके ऊपर जो ना शॉर्ट्स लाइब्रेरी विद थर्ड पार्टी कंटेंट आ रहा है, और भाई इस वीडियो पर व्यूज की बात करें तो टोटल 21 मिलियन का समथिंग व्यूज है, और भाई आप लोग देखो फिर भी इस शॉर्ट वीडियो से मुझे अर्निंग हो रही है। जी हाँ गाइज, आप सभी लोगों ने सही देखा है बिल्कुल, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि शॉर्ट्स मोनेटाइज हो गए हैं और अब शॉर्ट फीड के अंदर जो ना हम पन पैसा कमा रहे हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हो मुझे इस वाले वीडियो से अभी तक इतनी अर्निंग हुई है, और भाई अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया था कि क्या इस वाले वीडियो से अर्निंग होती है या फिर नहीं होती है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बस मेहनत करो। तो भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और भाई वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।